तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। अभी हम आपको यहाँ पे थोड़े बहुत अपडेट्स देने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट टॉपअप इवेंट कौन सा होने वाला है। इसके अलावा भी कुछ अपडेट्स है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखते हुए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले अपडेट्स की बात की जाए जो यहाँ पे हो जाता है न्यू रैंक सीजन के रिवॉर्ड, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैनर एंड अवतार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए गोल्ड प्लेटिनम डायमंड इन सभी के यहाँ पे बैनर दिए गए, जो आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो न्यू सीजन स्टार्ट होने वाला है तो आपको बिल्कुल सही में देखने को मिल जाएगा। जब भी आप इसे रीच करते हो तो यहाँ पे आपको अवतार देखने को मिलता है 21 सीजन 21 का, जहाँ पे 21 ही लिखा गया है, जो अच्छा नहीं लगा मुझे। देन यहाँ पे आपको फ्री बंडल देखने को मिलता है, जो आपको रैंक टोकन के बदले देखने को मिलता है, जो आपको बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिल जाएगा। मेल का देखने को मिला था, अभी फीमेल का दे दिया गया। देन यहाँ पे देखने को मिलता है हीरोक्स का रिवॉर्ड, यहाँ पे आपको एक शर्ट देखने को मिल जाता है, जो कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे आप फीमेल एंड मेल दोनों पे यूज कर पाओगे। देन इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलती है एक गन की स्किन, जो यहाँ पे हो जाती है AN-94। इसकी एक्यूरेसी यहाँ पे प्लस है, जो काफी सही हो जाती है। आपको बिल्कुल फ्री के अंदर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे जो है डायमंड डायमंड नहीं भाई गोल्ड पे आप इसको प्लस कर लोगे, गोल्ड से आगे चले जाओगे, गोल्ड टायर को आप यहाँ पे रिच कर लोगे, तो आपको सिंपल ये AN-94 की स्किन देखने को मिल जाएगी, जो काफी सही हो जाती है। आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट रिवॉर्ड कौन सा लगा आप कमेंट करके बता ही दीजिएगा। ओके, अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो है यहाँ पे समुदाय वाला बंडल, जो कुछ इस टाइप के इवेंट के अंदर दिया गया है। वैसे इस टाइप का इवेंट अपने यहाँ पे पहले भी आ चुका, लेकिन वहाँ पे रिवॉर्ड अलग थे, तो कुछ इस टाइप का इवेंट यहाँ पे दिया गया जो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। बाकी यहाँ पे दो प्राइज है, जैसे कि एक समुदाय वाला बंडल एंड सेकंड प्राइज है यहाँ पे जो है 9,999, मतलब लगभग 10,000 यहाँ पे डायमंड रखे गए। तो वही कुछ इस टाइप का इवेंट देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो चक्रा है ना वो रुकता है नहीं, जो आपको चाहिए उस पर तो यहाँ पे काफ़ी डायमंड लग जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कुछ इस टाइप के इवेंट के अंदर यहाँ पे जो है बंडल रिटर्न के अंदर दिया गया। बाकी अभी हम आपको यहाँ पे बताने वाले नेक्स्ट इवेंट जो भी इसी से रिलेटेड है, मतलब आपको यहाँ पे एक देखने को मिलती है कटाना की स्किन, क्योंकि भाई समुदाय है तो इसके हाथ में कटाना है, एंड उससे रिलेटेड आपको एक अपडेट दे देते हैं, जो है यहाँ पे कटाना की स्किन, जो काफी सही स्किन देखने को मिलती है। मुझे तो भाई काफी सही लगी, आप भी यहाँ पे देख ही लीजिए, जो कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिलती है, काफी सही एनिमेशन देखने को मिलता है एंड काफी अच्छा यहाँ पे जो है टेक्सचर दिए गए, तो भाई मुझे तो काफी सही स्किन लगी। आपको कैसे लगी आप बताइएगा। देन यहाँ पे देखा जाए इसका इवेंट, तो इसका इवेंट भी अभी हम आपको दिखाने वाले कि कैसे इवेंट के अंदर यहाँ पे दी गई है, जो हो जाता है यहाँ पे फ्लिप वाला इवेंट। तो भाई फ्लिप वाला इवेंट है तो इसमें भी डायमंड तो लगेगी, लेकिन 1,000 के आस पास डायमंड के अंदर शायद ये निकल जाए, तो अपने आप पे भी ये जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली। एंड मुझे लगता है कि ये इसी टाइप के इवेंट के अंदर भी अपने आप पे देखने को मिलने वाली, जैसे कि यहाँ पे फ्लिप वाला इवेंट दिया गया, तो इस टाइप के इवेंट के अंदर अपने आप पे देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं भाई, जब भी आएगी तो अपडेट आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी चलते अपना नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो यहाँ पे हो जाता अपना नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल। भाई काफी सही बंडल देखने को मिलता है आपको, मैं दिखाई देता हूँ, लोगों ने आपको दिखाया होगा कि जो है यहाँ पे बंडल दिखाया होगा। वैसे मैं आपको सीधा डायमंड रॉयल के ऊपर ही ले चलता हूँ, जो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ये बंडल काफी सही लगा, इसका एनिमेशन भाई ओपी बोलते हैं। एंड इसका मेल बंडल की क्या ही बात की जाए, अगर ये डायमंड रॉयल में हमें देखने को मिलता है तो इसका मेल बंडल भी शायद हमें देखने को मिल सके डायमंड रॉयल के अंदर, जो यहाँ पे काफी तगड़ा बंडल होने वाला है। सबसे पहले हमें फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा, जो कुछ ऐसे यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, तो आप इसका एनिमेशन देखिए, इसका जो है सब कुछ देख लीजिए। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। ओके, मतलब भाई बंडल देखिए और कुछ तो क्या ही देखोगे। तो यहाँ पे देखिए इसके सबसे पहले इसके बाल देखे जाए, इसकी जो टोपी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कुछ ऐसे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो भी काफी सही अच्छे से जो है यहाँ पे डिजाइन किया गया। शूज दिखा दिए, देन इसका जो है बॉटम यहाँ पे काफी सही देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो है यहाँ पे काफी तगड़ा वाला एनिमेशन दिया गया, जो यहाँ पे काफी सही हो जाता है। देन यहाँ पे इसका जो टॉप वो भी यहाँ पे काफी सही डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा एक बंडल और है जो बताया जाए कि भाई वो भी हमें डायमंड रॉयल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें इन दोनों में से कौन सा देखने को मिले, तो एक तो देखने को मिलेगा तो भाई डायमंड रॉयल आने ही वाला है, तो आपको पता चल ही जाएगा। ओके, तो चलिए अभी चलते हैं अपने लास्ट अपडेट की तरफ, जो यहाँ पे हो जाता है नेक्स्ट टॉपअप इवेंट। तो आपको नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के अंदर एक ग्लोबल का स्किन देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पे 200 डायमंड के टॉपअप पे दिया गया एंड साथ में यहाँ पे ब्लू प्रिंट भी दिया गया। तो ब्लू प्रिंट वाला तो अपने यहाँ पे पहले आ चुका, तो ग्लोबल वाला आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो है रमजान इवेंट है, तो रमजान इवेंट के टाइम पे जो है ये दिया गया, तो अपने यहाँ पे आने ही वाले रमजान इवेंट, तो उसी के आसपास आपको जो है ग्लोबल का स्किन टॉपअप भी देखने को मिल सकता है, उसकी थीम पे है। ओके, देन यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के ऊपर। तो जो बता रहा हूँ इनकी चांस यहाँ पे थोड़े बहुत कम है, लेकिन मैं आगे जो बताने वाला हूँ उसके यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है, जो आपको टॉपअप इवेंट के अंदर देखने को मिल ही सकता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे एक इमोट देखने को मिलता है, जो हो जाता है नमस्ते वाला, जो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बाकी ओनली 1 डायमंड के टॉपअप में यहाँ पे दिया गया, अपने यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा इसका तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये थोड़े बहुत चांस है इसके कि आ सकता है अपने यहाँ पे भी टॉपअप इवेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे डायमंड की प्राइस चेंज हो सकती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है नेक्स्ट प्राइस 300 डायमंड के टॉपअप पे, जो यहाँ पे एक
बैकपैक का स्क्रीन हो जाता है जो कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो बैकपैक है यहाँ पे सिंपल, इसमें यहाँ पे कोई एनिमेशन भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक सा बैकपैक आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है जो कुछ ऐसा हो जाता है। इसके अलावा आपने यहाँ पे जो अभी टॉप अप चल रहा है विंग्स वाला बैकपैक आपको देखने को मिलता है, वो इससे अच्छा है क्योंकि उसके अंदर आपको एक स्पेशल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे आप टॉप अप कर सकते हो, तो आप देख सकते हो। बाकी गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट प्राइस पे, जो यहाँ पे देखने को मिलती है एज की स्किन जो आपने यहाँ पे देखने को मिल ही चुकी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के ऊपर जो यहाँ पे लास्ट हो जाता है। एंड ये जो है मोनी पैड वाला टॉप अप कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे 200 डायमंड पे जो है पैड दिया गया है जो काफी सही हो जाता है क्योंकि इसकी पैड की एबिलिटी भाई काफी सही होने वाली है। एंड यहाँ पे जो है ये टॉप अप यहाँ पे 200 डायमंड पे तो अपने आप आता है, तो यहाँ पे 100 डायमंड के टॉप अप भी आपको देखने को मिल सके। इसके अलावा यहाँ पे जो है इसकी स्किन या फिर इमोट हो गए वो इससे ज्यादा डायमंड के टॉप अप पे रख दिए जाए क्योंकि भाई इसके चांस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी सर्वर के अंदर ये दे दिया गया टॉप अप इवेंट के अंदर अपने आप अभी तक आए नहीं, तो आपको शायद नेक्स्ट डायमंड टॉप अप पे यही वाला जो पैट देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे जो है एक एमआर करेक्टर भी था भाई, वो भी टॉप अप में आने वाला था लेकिन उसका तो अभी कुछ पता नहीं, उसकी थीम भी देखने को मिलेगी, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसकी भी, तो आने वाले टाइम में आपको पता चल ही सकेगा। वैसे 2 दिन बाद आपका न्यू रैंक सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आप तैयारी कर लीजिए रैंक पुश करने की। ओके गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले पाए। अगर इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन ऑप्शन बन के आता है उसे दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियो के अपडेट्स देखने को मिल सके। ओके।